मिनट में 30 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर में चुनाव की तारीखों का आज ऐलान। दोपहर 3:30 बजे चुनाव आयोग करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले अखिलेश की फ्री पॉलिटिक्स, छात्रों को मुफ्त लैपटॉप और 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा। योगी आदित्यनाथ के अयोध्या से विधानसभा चुनाव लड़ने की कयास तेज, अयोध्या में सक्रिय हुई सीएम की टीम। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक, मामले के दस्तावेज किए जाएंगे सुरक्षित, एनआईए के आईजी करेंगे हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार की मदद। सुरक्षा में चूक, मामले की जांच तेज, सूत्रों के मुताबिक पंजाब में और पुलिस अफसरों को दिया जा सकता है नोटिस। कांग्रेस नेता उदित राज का विवादित बयान, सुरक्षा चूक को बताया नौटंकी। केंद्र के फिलहाल समान नागरिक संहिता लागू करने की योजना नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट में दिया जवाब। यूपी में बिजली के दाम कम करने पर राकेश टिकैत ने उठाए सवाल, कहा बिजली के दाम घटाए नहीं बल्कि छूट दी है। 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है बुलीबाई ऐप का मास्टरमाइंड नीरज बिश्नोई, पुलिस से बोला कोई पछतावा नहीं। 6 दिन में बना बच्चों को वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड, 15 से 17 साल की उम्र के 2 करोड़ से ज्यादा बच्चों को दी गई डोज। दिल्ली में 55 घंटे का वीकेंड कर्फ्यू लागू, भारत ने पार किया 150 करोड़ वैक्सीनेशन डोज का आंकड़ा। रात भर तेज बारिश से दिल्ली में बड़ी ठंड, कई जगह सड़कों पर भरा पानी। कोटपुतली में मूसलाधार बारिश के साथ हुई है ओलावृष्टि, फसलों को नुकसान का अनुमान। कोटपुतली समेत आसपास के क्षेत्र में रात से लगातार बारिश का दौर जारी, निचले हिस्सों और सड़कों पर भरा पानी। 12 में रात में झमाझम बारिश, कई जगह गिरे ओले, फसलों को नुकसान, सर्दी और ठिठुरन से लोग बेहाल। सीकर के फतेहपुर में बीती रात तेज बरसात हुई, आज क्षेत्र में कोहरा छाया रहा। चित्तौड़गढ़ के बेंगू से लगे कई गांवों में ओलावृष्टि से अफीम समेत कई फसलें चौपट। टोंक में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल रहा है, बीती रात को निवाई दूनी समेत कई ग्रामीण अंचल में मूसलाधार बारिश के साथ ओलावृष्टि। चौमू के हरमाड़ा में तेज हवाओं के साथ बिजली का तार टूटकर गिरा, ढाबे के बाहर छप्पर पर तार गिरने से लगी आग। अलवर के तिजारा में मौसम ने ली करवट, सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे। बांसवाड़ा में पुलिस ने बीजेपी नेता का काटा चालान, बिना मास्क की रैली में हुए थे शामिल। बांसवाड़ा में कोरोना को लेकर पुलिस विभाग एक्शन मोड में, 4 दुकानों को सीज किया है। जयपुर में एसीबी ने घुसखोरों पर के ठिकानों पर की छापेमारी, निगम के एफए अचलेश्वर मीणा समेत 2 ठेकेदारों के ठिकानों पर छापेमारी की। बाड़मेर में बंधक बनाकर मारपीट और बाल काटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। झुंझुनू के खेजड़ी में वन विभाग की कार्रवाई, 2 महिला शिकारियों का दबोचा। भरतपुर में गौ तस्कर और क्यूआरटी पुलिस टीम में मुठभेड़। सीकर के नीमका थाना इलाके में जन्मदिन पर हवाएं फायरिंग करके दहशत फैलाने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अलवर के निमराड़ा क्षेत्र के कायसा गांव में शुक्रवार देर शाम अज्ञात बदमाशों ने घर में सो रहे युवक के सिर में गोली मार दी। शाहपुरा में अज्ञात कारणों के चलते ट्रक में लगी आग। श्रीगंगानगर के गोल बाजार के केदार चौक के पास होटल मूनलाइट की छत पर बने स्टोर में बीती रात आग लग गई।